बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम व्यूअर्स बना रहे हैं कलरफुल सिवैयां दूध के साथ। तो पहले हमने ये पानी लिया है, पानी के अंदर मैंने ये सिवैयों को डाल रही हूँ, ये एक मुट्ठी और ये दो मुट्ठी सिवैयां हैं। और इसके बाद ये देखिए, ये दूध जो है वो मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है। ये तकरीबन जो दूध है, दो मुट्ठी सिवैयां ली है कलर वाली, और ये जो दूध है ये तकरीबन आधा किलो है, इसको मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। और ये सिवैयां हैं, इनको यहाँ पर बॉयल करने के लिए रखा है। अभी ये बॉयल हो जाएंगी तो मैं इसका पानी फेंक दूंगी, और इसके बाद जो है सिवैयों का, दूध वाली जो सिवैयां बन रही हैं कलरफुल, वो स्टार्ट हो जाएगा बनाना स्टार्ट। ये देखिए दूध जो है वो बॉयल होने को आ रहा है। अभी इसमें डालेंगे हम जे आधा चौथाई कप जो है हम ये चावलों के आटे का डालेंगे। चावलों के आटे का चौथाई कप डालकर हम इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि ये थोड़ा सा दूध में गाढ़ापन हो जाए। अच्छा, इसको ऐसे हमने बॉईल करना है। इसके बाद ये तीन छुहारे हैं, ये तीन छुहारे लिए, तीन छुहारे लेके इसमें डाल देना है ताकि ये इसके अंदर नरम हो जाए, पकते में ही, दूध के पकते में ही नरम हो जाए। और इसके अंदर डालना है हमने तीन छोटी इलायची आधा किलो दूध में। ये देखिए ये जो दूध है ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया और अच्छी तरह इसमें उबाल आ गया है। अब ये देखिए, अभी ये थोड़ा सा और इसे पकाएंगे, और इसके बाद हम थोड़ा सा और पकाएंगे। और इसके बाद ये हमने सिवैयां हैं, ये देखिए ये सिवैयां हैं, ये मैंने पानी में डाल के निकाल ली थी, वो पानी फेंक दिया था और सिवैयां रह गई थी, ये कलरफुल सिवैयां। तो इसके बाद जो है हम इसमें सिवैयां डाल देंगे। ये देखिए, ये बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है ये सिवैयां। ये देखिए, आप चाहें तो इसमें कलर भी डाल सकते हैं, येलो कलर डाल सकते हैं आप। और ये देखिए कैसा गाढ़ापन हो गया, कितने मज़े की लग रही हैं। अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे शुगर। ये देखिए गाढ़ा हो गया, ये इसका अमेज़ा जो है अंदर से खीर की तरह हो गया ये, और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया, सिवैयों का कलर इसमें आ गया दूध के अंदर। अच्छा, अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे शुगर, आधा कप शुगर डालेंगे इसमें। और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे केवड़ा, केवड़ा डालेंगे ये वाला चम्मच, ये तीन चम्मच हैं, तीन छोटे चम्मच हैं ये। ठंडा करके खाए बच्चों को दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और जी जी जो छुहारे हैं इसके अंदर जो डालें, खजूर भी डाल सकते हैं, छुहारे भी डाल सकते हैं। तो आप ऐसे कीजिए कि जब ये पक जाए बिल्कुल, छुहारे निकाल के उसको कट करके दोबारा डालिए। इस तरह नरम करने के लिए मैंने डाल दिए हैं। साथ ही ये देखिए मैंने इसमें केवड़ा डाला है, बहुत ही लजीज बनता है ये, बहुत ही मज़ेदार किस्म की है ये स्वीट डिश। और चावल भी हैं, देखिए ये देखिए चावल का दाना भी आ रहा है इसके अंदर, उससे ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है दूध, इसमें जो पतलापन था दूध का वो जो है वो ख़त्म हो गया है। तो अगर गेस्ट आए आपके घर तो आप ज़रूर यूज़ की वो करिए, बनाइए, तरकीब बहुत अच्छी तरकीब है ये। इसको ठंडा कीजिए, फ्रिज में रखिए और बनाइए, अपने बच्चों को दीजिए। अगर बच्चों का मूड नहीं है खाने को तो ये बहुत अच्छी है रेसिपी, मीठे की रेसिपी है ये। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका। अच्छा, अब ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए, इसके बाद हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे बादाम पिस्ते की इसकी सेटिंग होगी, और उसके बाद बहुत ही खूबसूरत बन जाएंगी ये सिवैयां, दूध वाली सिवैयां कलरफुल। अच्छा, अब ये बहुत हो चुका है, अब इसको मैं करती हूँ बंद, और इसको मैं डिश आउट करती हूँ, और डिश आउट करने के बाद इसके ऊपर मैं गार्निश। ये देखें भाई, ये रेडी हो गया है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो कलरफुल सिवैयां हैं उनको ट्राई कीजिए, और दुआ में याद रखिएगा, मेरी पूरी वीडियो देखिएगा प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।